आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गुरु पूर्णिमा पर गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने चढ़ाया रोट का महाप्रसाद सभी देव प्रतिमाओं और ब्रह्मलीन नाथ योगियों की समाधि पर। सीएम योगी ने किया पूजन, शुभकामना संदेश में कहा सब ले अपने गुरु का आशीर्वाद, वितरित हुआ महाप्रसाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में लगाया जनता दरबार। 150 फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा उत्सव में शामिल हुए गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संतों का सम्मान, कहा अवसर को अनुकूल बनाकर चलने पर मिलती है सफलता। जो अच्छा सोच नहीं सकते वो अच्छा कर भी नहीं सकते। युगांतकारी घटना से जुड़कर प्रेरणा देते हैं सनातन संस्कृति के पर्व त्योहार। गुरुवार को कोटेदारों को सीएससी के रूप में सक्षम बनाएगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में प्रदेश सरकार तथा सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित होगी एमओयू। योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में कोटेदारों संग संवाद करेंगे सीएम योगी। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भाजपा महानगर इकाई द्वारा प्राचीन हनुमान मंदिर में संतों को माला एवं पटका पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर किया गया सम्मानित, कहा सनातन संस्कृति के गौरव का दिन है गुरु पूर्णिमा का पर्व। धार्मिक स्थलों व परंपरा के संवाहक धरोहरों का हो रहा है विकास। 6,01,00,000 की लागत से मानसरोवर शिव मंदिर व 1,64,00,000 की लागत से रामलीला मैदान अंधियारी बाग के सौंदर्यीकरण कार्यों का गुरुवार को लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। दो शातिरवान चोरों को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी का 3 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। श्रावण पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग गोरखपुर से अयोध्या के लिए चलाएगा 10 बस। बढ़लगंज देवरिया पिपराइज के लिए भी चलेगी अनुबंधित बसें, परिवहन विभाग के एआरएम ने दी जानकारी। ऑपरेशन पाताल के तहत एक शातिर अपराधी को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय के परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन, कहा गुरु और वृक्ष दोनों देते हैं जीवन और छाया। और महादेव झारखंडी शिव मंदिर में 14 जुलाई को शुरू हो रहे श्रावण मास की तैयारियां हुई पूरी। पुजारी शंभु गिरी ने कहा भोलेनाथ के आस्था में लोग दूर दूर से चढ़ाने आते हैं जल, नहीं करते हैं निराश भोलेनाथ, सबकी पूरी करते हैं मनोकामना।